हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। आज जा रहे हैं हम खड़ा मसूर घुघनी बनाने। आपको भी दिखाएंगे कैसे बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए फ्रेंड, ये मसूर है, इसको फुला लिया गया है, दोपहर में फूलने के लिए दे दिया गया था। और इसके लिए ये जो मटेरियल पड़ेगा, प्याज, कटा हुआ धनिया, खड़ा लहसुन, हरा मिर्च और टमाटर। ये चूल्हा को जला लिए हैं, ये कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। अब इसको गर्म होने देंगे, उसके बाद फिर तेल डालेंगे, सरसों तेल। सरसों तेल डाल दिया गया था और गर्म भी हो गया है। उसके बाद फिर जस्ट जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए ये खड़ा लहसुन और मिर्चा भी डाल दिया गया है। अब इसको हल्का ब्राउन होने देंगे, उसके बाद प्याज डाला जाएगा। प्याज डाल दिया गया है और प्याज को हल्का आँच पे, हल्का फ्लेम पे ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। हल्का प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, अभी और थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे। ब्राउन हो गया है, अब इसमें खड़ा मसूर डालेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे। मसूर को डाल दिया गया है और मसूर को लगभग 5 मिनट तक कम आँच पे इसको भूनेंगे। उसके बाद में कुछ और मसाला डालेंगे। मसूर फ्राई हो गया है, अब इसमें टमाटर डाला जाएगा। टमाटर भी डाल दिया गया है, टमाटर के साथ इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट लगभग। नमक दे रहे हैं, नमक देने से टमाटर साथ में जल्दी गल जाएगा। इसी तरह चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा से फ्राई भी हो जाएगा। अभी इसको देखिए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा टमाटर गलने में, तब तक चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद और कुछ मसाला डालेंगे। अब हल्दी मसाला डालना है और इसको भी 2 मिनट तक हल्दी मसाला को पकाएंगे, भूनेंगे। देखिए इसमें अब धनिया पाउडर डाला गया है, पाउडर है, जीरा पाउडर डाला गया है, मिर्च का पाउडर, गोलकी पाउडर है। अब सारा मसाला डाल दिया गया है। अब मसाला को अच्छी तरह से कम आँच पर 5 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से मसाला पकने तक इसको फ्राई करेंगे। सारा मसाला को डाल दिया गया है, बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला चिप नीचे जलने लगेगा। और अभी 2 मिनट मसाला फ्राई हो गया है, अभी और 2-3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से मसाला कुक होने तक। मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है और स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इसको कुकर में डालेंगे और कम फ्लेम पर 1 या 2 सीटी इसको देंगे। वो कढ़ाई में इसलिए फ्राई कर लिया गया है कि स्वाद बहुत अच्छा आएगा, कुकर में अच्छा तरीक़े से फ्राई नहीं होता है। अब इसको कुकर में कन्वर्ट करेंगे। कढ़ाई से इसको कुकर में डाल लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी के अनुसार पानी डाल दिए हैं, अब इसको चूल्हा पे चढ़ा के 1 या 2 सीटी लगवाते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। धनिया, हरा पत्ती डाल दिए हैं, मोटा डंडी वाला नीचे वाला पार्ट्स, और थोड़ा सा लास्ट में जब पूरा रेडी हो जाएगा उसके लिए बचा के रखे हैं, फिर लास्ट में डालेंगे। अब इसको सिटी मरवाते हैं। खाना रेडी हो गया है, कितना मस्त दिख रहा है और स्वाद भी, सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, सुगंध। अब टेस्ट करके देखते हैं इसको कि कैसा बना है। देखिए मसूर घुघनी बन के रेडी हो गया है, अब इसको टेस्ट करते हैं कि स्वाद कैसा है। रोटी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा स्वाद है और कुक भी अच्छे तरह से, मसाला भी हो गया है और ये खड़ा मसूर है ये भी अच्छी तरह से गल गया है, पक गया है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब गाइस खाना को तब तक हम एंजॉय करते हैं, खाना फिनिश करते हैं, तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे खाने के बाद। घुघनी बहुत टेस्टी बना था, खा के मज़ा आ गया। अब भी कभी इसी तरह बनाने का ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ प्यार एंड सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।